Starting a new chapter today in geography, and the name is drainage. Now, first is what is drainage? आप लोग ये तो देखते हो, आप लोग ये तो सुनते हो ना कि द रिवर्स आर फ्लोइंग, द रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, देन इट फ्लोज टूवर्ड्स दिस एरिया. दिल्ली के अंदर यमुना रिवर इज देयर, यूपी के अंदर गंगा रिवर इज देयर, उसके अलग अलग नाम होते हैं. तो वेन द रिवर सिस्टम, जो हमारा पूरा एक रिवर सिस्टम है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट, हाउ मेनी एरियाज इट पासिस, एंड अल्टीमेटली वेयर इट गोज एंड ड्रेन्स इट सेल्फ, वो पूरा एक हमारा ड्रेनेज सिस्टम है. द चैप्टर इज इजी इफ यू आर लर्निंग द मेन क्वेश्चंस. द चैप्टर इज डिफिकल्ट इफ यू लुक इन टू द कंसेप्ट, आपको लगेगा बहुत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स एन ईजी चैप्टर. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद एन ईजी रिविजन, और यू कैन से समरी अलॉन्ग विद द नोट्स, रिटन नोट्स, देन आई बी स्टार्टिंग इट अलॉन्ग विद एनसीईआरटी. ऑन द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप लोग इंडिया के मैप को देखते हो, तो यू विल सी दैट आई हैव यू नो मेड इट समथिंग, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है. तो इफ यू लुक इन टू दिस मैप, व्हाट हैपन्स इज, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस स्पेशल लाइन, ये विच इज स्टार्टिंग समवेयर अराउंड तिब्बत आपका, एंड देन इट इज क्रॉसिंग टूवर्ड्स दिस अरवली आपका, फिर यहां से मुड़ते हुए एंड फिर ये ऐसे आ रहा है. दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज वाटर डिवाइड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर डिवाइड, क्लास 9th? वाटर डिवाइड होता है कि इसके दोनों तरफ, अगर आप लेफ्ट की तरफ देखते हो, इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड, यू यू विल बी सीइंग, आई हैव रिटन चेनाब, इंडस, साबरमती, मतलब ये आपके रिवर्स. तो जो आपके उस तरफ है, इस लाइन के उस तरफ, वो आपके ड्रेन होते हैं इनटू अरेबियन सी. और इसके इस तरफ जो है, एज आई हैव रिटन, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देन यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपके सारे जो हैं ड्रेन होते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल. ठीक है, वन मार्कर क्वेश्चन है ये. तो ये जो लाइन है वाटर डिवाइड, इट इज एक्चुअली एन एलिवेटेड एरिया. यहाँ पर अगर मैं ऑन द मैप इफ आई ड्रॉ, तो ये देखिए आप, यहाँ पर कैलाश मतलब कि माउंटेन है, दिस एरिया इज एलिवेटेड. फिर थोड़ा नीचे है तो हिमालयाज आर देयर, देन इधर आपके जो है, यू आर हैविंग अमरकंटक, इधर आपके अरवली है, इधर आपका सतपुरा है, एंड ये आपके वेस्टर्न घाट है. तो जो जो जहां जहां एलिवेशन है, दैट वो जो एरिया है वो डिवाइड हो जाता है, विच वी कॉल एज वाटर डिवाइड. सेकेंडली, जो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपका आता, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन. तो अगर आप देखोगे किसी भी रिवर को स्टार्ट करते हुए, इफ यू हैव सीन, आई हैव ड्रॉन दिस गंगा रिवर, तो गंगा रिवर स्टार्ट हो रहा है समवेयर एयर आपके मानसरोवर में, एंड देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज उत्तराखंड, फिर यहां से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सब जहां जहां पर ये बह रहा है, वेरेवर इट इज द एरिया विच इट इज कवरिंग, उसको हम इसका जो है ड्रेनेज बेसिन्स कहते हैं. दैट द एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क है. मतलब यू विल बी लर्निंग दीज टू टर्म्स, आप ये दोनों टर्म्स को यूज करोगे. तो अगर हम इस रिवर को देखते हैं, अगर आप ये वाला ऊपर ये वाले मैप को देखते हो, तो यू विल सी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन रिवर्स, राइट. तो ये तो हमारे हैं मेन रिवर्स. ये कौन से हैं हमारे मेन रिवर्स?
आपका जो इंडस है ये समवेयर यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, देन आपका गंगा जो है वो यहाँ पर कहीं ओरिजिनेट हो रहा है, और ब्रह्मपुत्र आपका सांगपो बनकर यहाँ ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये जहाँ ओरिजिनेट होते हैं क्लास 9, जहां पे भी ये ओरिजिनेट होते हैं, जैसे ये एक ग्लेशियर सा बना हुआ है, नाउ ये गंगा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा, ठीक है। नाउ ये इतना बड़ा ग्लेशियर है, तो इसी ग्लेशियर के माउथ से एक और रिवर भी ओरिजिनेट होता है, जैसे यमुना, जैसे यमुना। तो ये दोनों का जो फीडिंग है, यानी कि जो मेन आपका है वो, जो मेन ग्लेशियर है वो एक ही है, मतलब इस तरफ इसको हम यमुनोत्री, इधर हम गंगोत्री नाम देते हैं, लेकिन वो एक ही है। तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, मतलब हम उनको अलग-अलग नाम से बुलाते हैं, गंगा, यमुना, गंडक, हम उसको अलग-अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनेशन होता है वो एक होता है, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग जगहों से। लाइक गंगा जो है इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर, यमुनोत्री जो है वो स्लाइटली आपका थोड़ा इधर होकर ओरिजिनेट होता है, तो लेकिन उनका जो मेन फीडर है वो एक है, उस तरफ से हो रहा, उस गेट से हो रहा है गंगोत्री, इधर से हो रहा यमुनोत्री, तो उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलते हैं, जब एक रिवर बह रहा होता है। अब यहां पर देखिए ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब ब्यास, ब्यास, सतलज, राबी, झेलम, चेनाब, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यहीं से कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वेरस अब गंगा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अब गंगा ऐसा तो नहीं ना कि वो एक ही जगह से चलता ही जाएगा, कई बार क्या होता है द रिवर ब्रांचेस, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बीच में कोई जगह आ गई, इधर से एक रास्ता चला गया, इधर से एक रास्ता चला, ब्रांच हो गया, दो रास्तों में बट गया, तीन रास्तों में बट गया, फिर उसका नया नाम पड़ जाता है, मतलब है वो गंगा ही, लेकिन वो बीच में कोई मतलब कि जमीन आ गई, कुछ आ गया, उसका रास्ता इधर दो हिस्सों में बट गया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि एक रिवर का हिस्सा हो जाना, डिविजन हो जाना डिस्ट्रीब्यूटरी। एंड ट्रिब्यूटरी होता है व्हेन द रिवर और अ स्ट्रीम पैरेलली जो है दे आर ओरिजिनेटिंग एंड देन दे विल मीट एट द मेन रिवर, जो इसका मेन रिवर है, जिसको जैसे यमुना गंगा से मिल जाता है, तो उसी तरीके से वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आपका ट्रिब्यूटरीज। ये याद रखना है आपको इस चैप्टर से। नाउ ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे गंगा ऊपर से आ रही है या ब्रह्मपुत्रा, व्हाट हैपेंस इज दे वुड बी पासिंग डिफरेंट एरिया, ऊपर से पहाड़ों से नीचे तक आते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरिया। देखिए यहाँ पर आप देखोगे इफ यू सी, तो दे वुड बी हैविंग डिफरेंट शेप्स, जैसे आपका यहाँ पर इट इज मियांडर, मियांडर क्या होता है आपके ऐसे जिगजैग, देन कुछ जगहों पर ये ऐसे चलते जाते हैं, और हो सकता है उसका कुछ पानी ऐसे बो के शेप में, ये जो बो है इस शेप में रुक जाए, उसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक। एंड देन इट मे फॉर्म डेल्टा, मतलब डेल्टा कैसे फॉर्म होता, अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटरी बताया था, इट मे बी ऐसे यहाँ पर बीच में कोई जगह आ गई, वो दो हिस्सों में बट गया और बीच में जमीन आ गई, इन अ ट्रायंगुलर मैनर, उसको कहते हैं डेल्टा। इट मे फॉर डेल्टा, इट मे फॉर्म अ लगून, इट मे फॉर्म एन एस्चुरी, उसके अलग अलग, मतलब वो जाकर जब समुद्र में मिलता है उस वक्त में हो सकता है वो डेल्टा फॉर्म करे, कभी कभी क्या होता है जो आपका समुद्र का पानी है वो वापस अंदर आ जाता है, दे फॉर्म एस्टुरीज, दे फॉर्म एस्टुरीज।
और कभी कभी जब ये नीचे उतर रहे होते तो ये ऐसे फनल के शेप में दे कम, मतलब यहां से एक ये फनल के शेप में, दे आर कॉल्ड लगून्स, दे आर कॉल्ड लगून्स। तो अलग अलग ये शेप्स को फॉर्म करते हैं। नॉर्मली इन द अपर कोर्स जहां से वो आते हैं, दे फॉर्म द मियांडर, ज़िगज़ैग फॉर्म, मियांडर्स। देन थोड़ा नीचे आते हैं, दे मे स्टॉप एट वन प्लेस लाइक ऑक्स बो लेक, एंड देन व्हेन दे आर ड्रेनिंग, जब वो लोग बिल्कुल समुद्र में मिल रहे होते हैं तो या तो वो डेल्टा बनाते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में द लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जो रिवर है वो दो हिस्सों में बट जाती है, बीच में आपकी जमीन आ जाती है, या फिर दे में भी जो आपका सॉल्ट वाटर है इट एंटर्स फॉर्मिंग एस्टुरीज, या दे में भी ऐसे ब्रांच ऑफ होकर आ रहे हैं एंड दे में भी फॉर्मिंग अ फनल टाइप विच इज कॉल्ड एज लगून्स। तो आपके ये जो है व्हेन ये रिवर्स पास करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनेशन टिल दे ड्रेन, दे मे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स, राइट? दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग। नाउ इंडिया का जो मेन रिवर सिस्टम है, ऑल द मतलब जो इंडिया का जो मेन लैंड है, इट गेट्स वाटर फ्रॉम थ्री मेन रिवर सिस्टम्स। पहला, हम लोग जो रिवर्स हैं इनको बांट देते हैं इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड में आपके हैं उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर्स। एंड जो आपके नीचे की तरफ है दैट इज आपके पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो हिमालयन रिवर्स है ये आपका थ्री मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ थ्री मार्कर क्वेश्चन। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, मतलब दे गेट वाटर ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल इनमें पानी रहता है। कैसे रहता है? ईदर द रेन और द ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होकर रिवर में पानी बन के आते रहते, एंड इफ यू सी देयर लेंथ एंड ऑल दे हैव अ लॉन्ग कोर्स एंड दे आर डीप। वेयर इज जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो हमारे मोस्टली आपके अमरकंटक, वेस्टर्न घाट, इन जगहों पर ओरिजिनेट होते हैं एंड दे आर सीजनल, जब बारिश होती है तो खूब पानी होता है और अदरवाइज दे आर ड्राई। एंड इनका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो दे फ्लो इतना ही है इनका फ्लो, नर्मदा एंड तापी दे आर। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हमारे बे ऑफ बंगाल में है, लेकिन नर्मदा एंड तापी, वन मार्कर क्वेश्चन, दे फ्लो इन टू अरेबियन सी। और जो हमारे हिमालयन रिवर्स है ये आपके बे ऑफ बंगाल में जाते, इंडस आपका अरेबियन में जाते। तो नाउ ये जो सिस्टम है कैसे है, हिमालयन रिवर्स हमारे हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालयन रिवर्स हमारे हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो हमारे हिमालयन रिवर्स का सबसे पहला है वो है इंडस रिवर। अब इसमें क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं, इंडस में या ब्रह्मपुत्र में यू कैन एक्सपेक्ट वन वन मार्कर, गंगा रिवर सिस्टम आपको राइट अ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते। इंडस रिवर मीन्स इट इज ओरिजिनेटिंग नियर तिब्बत, तिब्बत में आता है, लेकिन इसका मैक्सिमम वाटर जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। दैट इज व्हाई इंडिया हैज साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 विद पाकिस्तान, जिसके अकॉर्डिंग हम 15% ऑफ द टोटल वाटर जो फ्लो होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इसका जो मैक्सिमम पानी, जो आपका जो मैक्सिमम बहाव है जो इसके रिवर्स का, दैट इज इन पाकिस्तान। और इसका जो है आपके सतलज, ब्यास, राबी, चेनाब एंड झेलम, ये आपके इफ यू सी आई हैव मेड इट ओवर हियर, ये आपके जो है पास ऑन होते हैं, और यही है आप जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, यही है वो आप, और ये पांच आब मिलकर हमारा बनाता है पंजाब, ब्यास,
झेलम, सतलज, ये जो मैंने लिखे हुए ये सारे मिलकर आपके बनाते हैं पंज आब। सो दैट इज वाई द नेम इज पंज आब। पंज मीन्स फाइव एंड आब। तो दिस यहां से स्टार्ट होकर इट फ्लोज, और ये जो एरिया है मिठानकोट, यहाँ पर ये सब एक मिल जाते हैं एंड देन दे फ्लो इनटू द अरेबियन सी। दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। और हमारे हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 विच वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर एलिजिबल टू शेयर दैट 15% फॉर आवर पर्पज। सेकेंड इज गंगा रिवर। गंगा रिवर हमारा एक्चुअल में मेन है बिकॉज दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम समवेयर नियर आपका मानसरोवर। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका जो सोर्स है उसको हम भागीरथी कहते हैं और ग्लेशियर को गंगोत्री के नाम से बोला जाता है। नाउ व्हेन इट फ्लोज डाउन, अभी आप लोग अपने बुक में देखोगे तो व्हाट हैपेंस इज इट फ्लोज, अगर आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड की तरफ जाते हो तो वहां पर देवप्रयाग है, एक तरफ से आपकी भागीरथी आ रही होती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा आ रहा होता है। ये पेपर में आपकी बुक में है एंड इट इज अ पेपर क्वेश्चन। एक तरफ से आपके भागीरथी आ रही होती है और दूसरी तरफ से आपका जो है अलकनंदा आ रहा होता है। दिस इज लाइक दिस इज कम लाइक दिस, यहाँ से आपकी भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा, एंड देन दे बोथ मीट एट दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड एज देव प्रयाग। जो लोग बद्री जाते हैं ना बद्रीनाथ, तो वहां पर आपके पंच प्रयाग आते हैं। तो पहला प्रयाग हमारा देव प्रयाग होता है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ऐसे करके ये प्रयाग आते हैं। तो ये यहाँ ज्वाइन होकर यहाँ से ये नीचे उतरता है टूवर्ड्स हरिद्वार, जहां इसका नाम पड़ जाता है गंगा, जहां इसका नाम पड़ जाता है गंगा। पहले ये जो है जहां से ओरिजिनेट होता है वहां से ये ऐसे चैनल्स बन जाते हैं, यहां से इसका नाम अलकनंदा, यहाँ पर भागीरथी, एंड देव प्रयाग में आकर ये मिलते हैं। यहां से जब ये नीचे उतर के जाता है एट हरिद्वार, इट इज नोन एज गंगा। आपके बुक में है, फोटो भी है इसकी। गंगा इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक। मतलब मैंने आपको बताया कि जो गंगा रिवर है वो यहाँ पर कहीं पर ओरिजिनेट होता है, तो जहां से ये ओरिजिनेट होकर नीचे आ रहा है यहाँ तो गंगा नाम है, लेकिन जहां दूसरी जो आपके यहाँ से ओरिजिनेट आता है इसको गंडक के नाम से जाना जाता है नेपाल के अंदर, फिर ये ऐसे नीचे उतर के आता है। तो ग्लेशियर आपके जो है उधर ही है लेकिन उसका जो वाटर का जो पैरेलली वो फ्लो कर रहा है तो उसके अलग अलग नाम है। द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। देन इट स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, देन आपका नीचे उतरते उतरते उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, जब ये एंड पहुंचता है वेस्ट बंगाल के पास, फरक्का। फरक्का हमारा सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है जहां पर ये एंड होता है, दैट इज इंडिया का। यहाँ आकर ये दो हिस्सों में बट जाता है, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, एक बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और दूसरा ब्रह्मपुत्र, मतलब यहाँ पर जो है इट यहाँ पर आता है, एक जाता है टूवर्ड्स बांग्लादेश और दूसरा जो है दूसरे का जो पोर्शन होता है वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना, इसका नाम पड़ जाता है मेघना, दैट इज इन बांग्लादेश इसका नाम है मेघना। और दे फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। आई रिपीट दिस, अगर हम लोग मैप को देखते हैं, इफ यू लुक इन टू द मैप, आई जस्ट शेयर इट विद यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेटर मैनर। इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट होता है, देन इट विल एंटर इन टू दिस उत्तराखंड, फिर ऐसे करते 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 ये ऐसे ऐसे से जाता है, जो हमारा ये एंड पॉइंट है यहाँ पर
जो हमारे इंडिया का एंड पॉइंट है कलकत्ता में, उसको हम फरक्का कहते हैं। फरक्का वाली जगह पर आने के बाद व्हाट हैपेंस इज द रिवर वुड बी डिवाइडिंग इनटू टू पोर्शन, एक आपका ऐसे बांग्लादेश की तरफ जाता है, एक ऐसे जाता है, और यहां से आपके जो है नदी जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ब्रह्मपुत्र आ रहा होता है। तो दो दे बोथ मीट एट फरक्का, और यहां से जब वो बांग्लादेश के अंदर घुसता है तो उसका नाम गंगा की जगह मेघना पड़ जाता है। एंड इस जगह पर जो आपका ये वाला एरिया है, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, द वेरी फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। मतलब एक हिस्सा यहाँ से जा रहा है, ये हिस्सा जा रहा है, ये जो बीच में वी टाइप बन गया है, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है जहाँ आपका रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ये आपका गंगा का वो पोर्शन जो यहाँ से आया, और ये जो दूसरा पोर्शन ऐसे आया दैट वॉज मेड बाय द ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ गंगा वाटर इन इंडिया। इट स्टार्ट समवेयर नियर द, इट इज ऑल्सो इन तिब्बत ओनली, आपका भागीरथी, हम लोग जो है इंडिया के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। देन इट इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग, भागीरथी एंड देवप्रयाग नियर हरिद्वार, इसका नाम पड़ जाता है गंगा। इट्स लेंथ इज अराउंड 2500 किलोमीटर, द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इज फरक्का, फ्रॉम हेयर इट डिवाइड्स इनटू टू एंड जॉइन बाय ब्रह्मपुत्र टू फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। नाउ द थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। नाउ ये जो ब्रह्मपुत्र है, इट इज एक्चुअली द रिवर विच इज फ्रॉम चाइना, चाइना, और चाइना में इसको जो है सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। इट्स कॉल्ड एज सांगपो। एंड यू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिवर, यहां जहां आपका सांगपो है वहां इट इज ड्राई, मतलब वहां पर इट इज वेरी ड्राई ड्यू टू द हायर एल्टीट्यूड। यहाँ पर थोड़ा मतलब कि तो यहाँ थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा कम रहता है। Whereas, जैसे ही यहां से ये इंडिया के अंदर आता है, यहां पर इफ यू सी मैंने ये बनाया है, इफ यू सी दिस, ये है आपका डेल्टा, अभी मैं नीचे दिखाऊंगी आपका जो है यहां से, सॉरी डेल्टा करिए, इट इज कॉल्ड एज गॉर्ज। गॉर्ज होता है आपके दो पहाड़ों के बीच में, हम लोग वो पिक्चर्स बनाते थे ना बचपन में, दो पहाड़ों के बीच में से पानी जब आता है उसको बोलते हैं गॉर्ज, उसको बोलते हैं गॉर्ज। तो यहाँ पर ये देहांग, यहाँ पर आप देखोगे ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में से इंडिया के अंदर ये घुसकर आता है, एंड इंडिया में आने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। इट एंटर्स थ्रू देहांग वैली एज अ गॉर्ज, एज अ गॉज। यहाँ पर तिब्बत में, यहाँ पर चाइना में इसका नाम सांगपो है, यहाँ से इट एंटर्स, यहाँ पर आपका गॉर्ज है यानी कि दो पहाड़ों के बीच में से अंदर आता है। देन इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, देन इट ड्रेन्स इनटू असम, और उसके बाद असम से नीचे उतर कर ये आता है टूवर्ड्स बांग्लादेश, एंड देन इट जॉइंस रिवर गंगा फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा एंड गोज डाउन। तो इट राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर, इट्स लॉन्गर देन इंडस, फ्रॉम नामचा बरुआ, मतलब जहां पर आपका मेन अरुणाचल के पास है वहां पे इसका नाम है नामचा, वहां से यू टर्न ऐसे घुसता है एंड इट एंटर्स इनटू अरुणाचल इन दिहांग वैली फॉर्मिंग द गॉज। ये इसका ओरिजिनल, ये इसकी ओरिजिनल तस्वीर जो मैंने निकाल के रखी, दिस इज हाउ इट एंटर्स इनटू दिस इंडिया। इफ यू सी यू कैन सी दिस, ये ऐसे एंटर करता है दो पहाड़ों के बीच में, आप देखोगे ये एंटर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गॉच, राइट। तो दिस इज हाउ एंड दिस इज डेल्टा, यू कैन सी मेड इट डेल्टा आपका जो है, जब पानी आपका जो है इट इज ब्रांचिंग, बीच में जमीन आ गई डेल्टा, एंड एस्चुरी होता है व्हेन इट इज इन दिस।
फर्स्ट हिमालयन रिवर्स के अंदर हमारा था इंडस, विच राइजेस समवेयर इन तिब्बत। इंडस हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, लद्दाख से इंडिया के अंदर आता है, इट एंटर्स फ्रॉम लद्दाख। देन इट हैज जो मतलब कि ब्यास, सतलज, आपका राबी, झेलम, चेनाब, ये सारे, बट ओनली 15% हम लोग जो है शेयर करते हैं। द मैक्सिमम ड्रेनेज इज इन पाकिस्तान, देन इन पाकिस्तान एट मिटान, मिठानकोट, ये सारे एक साथ हो जाते हैं एंड देन ड्रेन इन टू अरेबियन सी। सेकेंड इज गंगा, गंगा रिवर आपका जो है इट इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। देन गंगोत्री ग्लेशियर से आपके जो है वो नीचे उतरता है, इट ड्रेन्स अराउंड 11 states इन इंडिया। और जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है गंगा का वो है आपका फरक्का इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर इट ब्रांचेस इनटू टू, वन ऑफ द ब्रांचेस मेट, मतलब उसके साथ में ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आपका मिल जाता है एंड दे बोथ फॉर्म द लार्जेस्ट सुंदरबन डेल्टा, और वहां उसका नाम है मेघना। एंड थर्ड इज आपका, सॉरी, दिस इज दीज आर थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है इट राइजेस इन तिब्बत एज सांगपो, उसका नाम वहां पर है सांगपो। एंड देन इट एंटर्स समवेयर नियर द दिहांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज, देन इट ड्रेन्स फ्रॉम अरुणाचल। मैक्सिमम इसका जो है असम है। और आपको अभी मैं बता रही थी कि इन तिब्बत अगर आप देखोगे जो चाइना वाला एरिया, वहां पर इट इज क्वाइट ड्राई, आपके पेपर का क्वेश्चन है ये। लेकिन जब आप इंडिया में देखोगे ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑलवेज फ्लडेड, मतलब दिस इज द वन रिवर विच इज ऑलवेज फ्लडेड। एंड द रीजन इज बिकॉज इन इंडिया द रेनफॉल इज मोर इन दिस एरिया, आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पे बारिश आपकी ज्यादा होती है, इसीलिए ये रिवर हमेशा फ्लडेड रहता है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेर एज इन चाइना ये ड्राई रहता है। ये आपका 3 marker क्वेश्चन है क्लास 9। नेक्स्ट इज आपका द पेनिनसुलर रिवर। एज आई सेड, पेनिनसुलर रिवर आपके वो हैं जो आपके पेनिनसुला में ओरिजिनेट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट समवेयर इन द वेस्टर्न घाट, अमरकंटक वैली, दैट इज आपका सतपुरा, जो विंध्या वो वाला एरिया है। और इनके आपके मेन हमारे हैं नर्मदा, तपी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी आपका, कृष्णा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दे मूव टूवर्ड्स द आंध्र प्रदेश एरिया। गोदावरी ऑल्सो क्रॉस, आपका कृष्णा जो है दैट ऑल्सो क्रॉसेस टूवर्ड्स कर्नाटका, देन इट मूव टूवर्ड्स आंध्रा एंड देन ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। महानदी आपका जो है अमरकंटक से आपका ओडिशा की तरफ जाता है और देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। कावेरी आपका ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी हिल्स में, दैट इज समवेयर आपका कूर्ग के पास, वहां से इट ड्रेन्स डाउन टूवर्ड्स कर्नाटका, देन थोड़ा सा केरला कवर करते हुए यू टर्न करके तमिलनाडु आता है एंड देन ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। वेयर इज नर्मदा एंड तपी जो है दे मूव टूवर्ड्स गुजरात एंड दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपके वो हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, विच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, एंड नर्मदा एंड तपी आर इनटू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो आपके गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सब जो है बड़े रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी का, तपी का जो है आपका शॉर्टर कोर्स है। और नर्मदा रिवर आपका वही है जिसके ऊपर आपका जो है द स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, इट इज द वन जो आपके सरदार सरोवर डैम जो बन रहा है, द वन ऑफ द बिगेस्ट डैम वो आपका बन रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये उससे रिलेटेड, दिस इज दी वन। जो आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा है ये डेल्टा बनाते हैं, वेरस नर्मदा एंड जो आपके तपी है ये एस्टुरीज बनते हैं। दिस इज द डिफरेंस आपका। नाउ लेट अस कम बाय वन, द वेरी फर्स्ट इज नर्मदा। नर्मदा राइजेस समवेयर इन अमरकंटक, ये आपके पेपर का क्वेश्चन, जितने भी हम मैंने यहाँ पॉइंट्स डाले हैं ऑल आर
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश के पास है। देन ये गॉर्ज बनाते हुए पेपर के साथ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग जबलपुर गए हो, इफ यू हैव विजिटेड जबलपुर, देयर दे आर एंटरिंग इन टू द मार्बल रॉक्स, जहां धुआंधार फॉल्स बनाते हैं। दे मेक द ब्यूटिफुल धुआंधार फॉल्स एंड मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करते हुए जाता है। द लेफ्ट साइड जो पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर है, ये मार्बल रॉक्स की है, और जो राइट साइड में आपका आ रहा है, ये धुआंधार फॉल्स का है। दिस इज आपका नर्मदा एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पेपर ऑल्सो, दैट इज आपका नर्मदा। तभी आपका सतपुरा में आता है, ये अमरकंटक हुआ, वो सतपुरा, आपको याद होगा, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, एंड देन इट कवर्स मध्य प्रदेश, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे, सॉरी, अरेबियन सी। गोदावरी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपका नासिक के पास आता है। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र के पास, आपका नासिक के पास स्टार्ट होता है। वी हैव गॉन टू दैट प्लेस, दिस इज वन ऑफ द शिवलिंग का आपका बहुत फेमस प्लेस है, एंड राइट नाउ आई एम नॉट रिकलेक्टिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम देयर, कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी गंगा जैसे 2500 किलोमीटर है, इसका भी जो वैसे लॉन्ग है, लेंथ है, वो ज्यादा है। देन द कृष्णा नदी बेसिन, कृष्णा नदी अगेन, इट इज इन महाबलेश्वर, मुंबई के पास, मुंबई के पास, एंड देन इट गोज टूवर्ड्स मुंबई, नीचे उतर के कर्नाटका, फिर आपका तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और फिर ये जाता है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। और कृष्णा नदी के ऊपर आपका कोयना डैम, तुंगभद्रा डैम एंड नागार्जुना सागर डैम बना हुआ है। कृष्णा रिवर के ऊपर आपका कोयना डैम इन महाराष्ट्र, तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका एंड नागार्जुना सागर डैम इन तेलंगाना बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। हम लोग जब यहाँ से दिल्ली से, पहले हम लोग जब छोटे थे, तो वी यूज टू गो टू चेन्नई, तो ये गोदावरी एंड कृष्णा दोनों हमारे रास्ते में आता था, और मतलब हमारे वो मान्यता होती थी कि इफ यू यू नो अगर आप कुछ विश करते हो एंड इफ यू स्पेंड, तो कृष्णा रिवर को देखने के लिए हम लोग इतना तरसते थे, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द, गोदावरी और कृष्णा बहुत बड़े, बाकी सारे रिवर्स को क्रॉस करने में टाइम नहीं लगता था ट्रेन को, लेकिन गोदावरी और कृष्णा को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता था। जो गोदावरी रिवर है, इट इज सच अ लार्ज लॉ, मतलब कि रिवर, कि उसमें जो है इनलैंड, इनलैंड मतलब विद इन इंडिया, इनलैंड मतलब विद इन इंडिया आपके शिप चलते हैं, फ्रॉम वन जो सामान होता है उसको पोर्ट करते हैं, एंड इट हैज, तो वहां पर जो है वो इतना बड़ा है कि उसमें शिप चलता है। कैन यू इमेजिन, मतलब रिवर्स में नॉर्मली शिप्स आर नॉट देयर, रिवर्स में आपके बोट्स होते हैं, लेकिन गोदावरी इज सच अ बिग, जहां पे आपके शिप चलते हैं फॉर द इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, सामान को जो लेकर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो गोदावरी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दैट कम्स व्हाइल वी पास फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। सिमिलरली इज कृष्णा, कृष्णा आपका विजयवाड़ा के पास आता है। द नेक्स्ट इज महानदी, विच फ्लोज इन टू ओडिशा, एंड द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिलिका इज देयर। और महानदी के ऊपर आपका जो है, यू ऑल्सो हैव द डैम, आपके जो है डैम भी है, हीराकुड, हीराकुड डैम, जैसे आपके इसमें आपका जो डैम्स है वो है कोयना, तुंगभद्रा एंड नागार्जुना सागर। वेरस इसके अंदर आपका है हीराकुड, दिस राइजेस समवेयर इन छत्तीसगढ़, एंड इट इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एंड आपका सबसे, इट ड्रेन्स फ्रॉम उड़ीसा एंड फॉर्म्स द चिलिका लेक, आपका जो है वो फॉर्म होता है, एंड हीराकुड डैम इज बिल्ट ओवर दिस। द लास्ट पेनिनसुलर रिवर इज कावेरी, कावेरी जो है
आप लोग उसमें पढ़ोगे, एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तमिलनाडु, जो ये आपका मैप है, इफ यू लुक इनटू दिस मैप, दिस इज आपका कर्नाटका एंड दिस इज तमिलनाडु। तो जो ये कावेरी है ना, ये यहाँ पर ओरिजिनेट होता है समवेयर इन कूर्ग, ब्रह्मगिरी हिल्स। द एरिया इज कॉल्ड एज ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लो होके पहले इट फ्लोस इन कर्नाटका, देन इट फॉर्म्स इनटू दिस यहाँ से, एंड देन इट ड्रेन्स अप। सो दिस इज वन ऑफ द रिवर विच इज हैविंग द मैक्स, मतलब कि जो डिस्प्यूट चल रहा है आपके तमिलनाडु एंड कर्नाटका के अंदर। मतलब दिस इज बिकॉज, मतलब कि जो कर्नाटका है, दे से द ओरिजिनेशन इज देयर, सम ऑफ द पार्ट ऑल्सो गोज टू केरला, एंड मैक्सिमम आपका जो है वो आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में प्रॉब्लम क्या है कि यू डोंट हैव एनी अदर रिवर्स, तो देर इज वाटर स्केयरसिटी। सो देर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन दिस रिवर, कावेरी रिवर वाटर, जिसके लिए काफी इतने डिस्प्यूट्स हैं कि अगर आप इसको गूगल पे डालोगे तो यू विल सी हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। अगेन इट ड्रेन्स इन टू बे ऑफ बेंगाल। कावेरी बेसिन जो है आपका, इट ऑल्सो मेक वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट आपके वाटरफॉल को बनाता है, मतलब कि आपका, विच यू विल बी रीडिंग इन योर बुक। एंड इट ऑल्सो सर्व टू द कोलार गोल्ड माइन्स। जो कोलार गोल्ड माइन्स में हाइडल पावर और वहां के लिए ये पानी जो है ये सप्लाई करता है। तो इट इज वन ऑफ दैट। एक तो ये कोलार गोल्ड माइन्स को करता है, एंड ये सेकेंड शिव समुद्रम जो फॉल्स है, द सेकेंड लार्जेस्ट फॉल्स वो बनाता है, शिव समुद्रम। आपके पेपर के ही क्वेश्चन। सो इन द पेनिनसुलर रिवर्स वी हैव रेड दैट वी हैव नर्मदा, वी हैव तपी, वी हैव व्हाट यू कॉल एज गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। आउट ऑफ दैट वी हैव रेड दैट नर्मदा एंड तापी जो है दैट गोज टूवर्ड द वेस्ट, आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, एंड गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी आर ईस्ट फ्लोइंग, बिकॉज इनका जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ है। नर्मदा तपी दोनों जो है आपका नियर बाय अमरकंटक, आपका जो है वहां पर मध्य प्रदेश, दे ओरिजिनेट एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट। गोदावरी आपका समवेयर आपका महाराष्ट्र में होता है, फ्रॉम देयर इट गोज टूवर्ड्स आपके जो है ड्रेनिंग ऑल द पार्ट्स, ये नीचे उतर के बे ऑफ बंगाल जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के पास ओरिजिनेट होता है, एंड ड्रेनिंग द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इट मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। कृष्णा आपका जो है इट अगेन ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, देन इट ड्रेन्स टूवर्ड्स कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड इट मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। कावेरी ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका कूर्ग, बट इट फ्लोस डाउन टूवर्ड्स कर्नाटका, अप सम पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये इनके इनके जो कोर्सेज है वो छोटे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ये रिवर्स है, द रिवर सिस्टम जो है, दे आर ऑल द मेन बेस फॉर द सिविलाइजेशन। आप किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो, नाइल पढ़ो, यू विल सी दैट इट इज ओनली द रिवर्स, जहां पर रिवर्स थे वहां सेटलमेंट आई थी। सिविलाइजेशन सबसे पहले वहीं पर आया था। द पीपल स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर्स बिकॉज उनको वहां पर एग्रीकल्चर करना, पानी की जो दिक्कत होती थी वो आसान होता था। तो रिवर्स आर द सोर्सेस ऑफ लाइफ। इवन इन इंडिया आल्सो, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिजिकल फीचर्स पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो अलूवियल सॉइल्स है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स। आपका जो गंगा रिवर है उसकी जो वैलीज है वहां आपका भंगर एंड खदर जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि रिवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर पास्ट फ्यू इयर्स, कुछ पिछले कुछ सालों में आपके जो रिवर्स हैं उनको हमने यूज किया है फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट इरिगेशन हो गया, रिवर्स से पानी ले लिया, दूसरा आपका ट्यूबवेल, आपके ट्यूबवेल्स लगे रहते हैं। पंजाब जो आपका आज इतना ग्रीन है,
दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिवर्स एंड इरिगेशनल सिस्टम. देन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, 10th में पढ़ोगे आप लोग, नेविगेट इंडिया के अंदर आपके वाटर वेज भी है. जैसे आपके बस के रूट होते हैं ना, प्लेन के रूट होते हैं, वैसे आपके वाटर के भी रूट्स हैं. वाटर वे गंगा के ऊपर नंबर वन है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाटर वे टू है. तो वी ऑल्सो हैव द नेविगेशन जिसके अंदर सामान एक एरिया से, अब मान लो कोई सामान जो है इट हैज बीन मेड इन अमरकंटक. अमरकंटक आपका आयरन के लिए बहुत फेमस है, छोटा नागपुर आपका आयरन के लिए बहुत फेमस है. तो छोटा नागपुर से किसी और जगह पर जाना हो, या तो ट्रेन जो आपके गुड्स के ट्रेन होते हैं, या फिर आपके जो रिवर्स होते हैं उनके थ्रू इनको पोर्ट करके भेज दिया जाता है. तो दे आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रो पावर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. आपके जितने रिवर्स हैं इनमें डैम्स बने हुए हैं, रिवर्स पे आपके डैम्स बने हुए हैं. एंड ये जो डैम्स हैं, इन डैम्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर वॉट इरिगेशन पर्पस. जैसे अभी आपको मैंने बताया हीराकुड डैम, दिस इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. आपका जो गंगोत्री है आपके उत्तराखंड के अंदर, तेहरी डैम इट इज यूज. भाकरा नंगल डैम आपका जो उस पे चनाब पे बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है. देन कावेरी मैंने आपको बताया. सो दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ऑन द अदर हैंड रिवर्स के साथ हमारे कुछ लेक भी होते हैं. अब क्लास 9 लेक्स हमारे जो हैं, दे कैन बी फ्रेश वाटर, जो बिल्कुल फ्रेश वाटर से बने. जैसे नैनीताल, अगर आप लोग नैनी झील गए हो तो वो एक्चुअल मानसरोवर से जो आपके ग्लेशियर का पानी है वो इट इज से. देन भीमता, डल लेक आपका, वूलर लेक. वूलर लेक जो है इट इज सेड दैट वो आपके वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और नीचे जो पानी थी, पानी जो था वो ऊपर आ गया. दैट इज आपका वूलर लेक इन कश्मीर. तो ये आपके हैं फ्रेश वाटर लेक्स. दे हैव बीन फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स और समथिंग. सेकेंड आपके हैं जो आपके सॉल्ट वाटर है. जैसे सॉल्ट वाटर कैसे बनते हैं, ब्रैकिश बोलते हैं हम इनको. क्या बोलते हैं, ब्रैकिश. जब पानी बाहर की तरफ जा रहा होता है तो ड्यू टू द प्रेशर, सी वाटर, सी वाटर आपका नमकीन होता है, इट एंटर्स इनटू द लैंड टू फॉर्म अ लगून. आपको भी बताया था लगून इज अ काइंड ऑफ फनल. चिलिका लेक इन आपका ओडिशा, पुलिकत इन तमिलनाडु, कोलेरू इन केरला सॉल्ट वाटर लेक. इनफैक्ट इन राजस्थान ऑल्सो वी हैव सांबर लेक. देन आपके ऑक्सबो लेक, आपको मैंने ऑक्सबो लेक बताया था, ये बना हुआ देखिए, ये देखिए आप, ये अगर आप देखो तो जो ऑक्स का ये जो गर्दन होती है ना, ये ऐसा उसका बो वैसा है. दिस इज ड्यू टू द रिवर के मूवमेंट की वजह से ये ऑक्सबो लेक बनता है. ये आपका ऑक्सबो लेक है, दल लेक है, पुलिकत लेक है. पुलिकत इज इन तमिलनाडु नेल्लूर. एंड ऑक्सबो आपका एग्जाम्पल इज कन्वर लेक. तो डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स. ये तो हमारे नेचुरल लेक्स है, इवन वी हैव द मैन मेड लेक्स. जिन जिन एरियाज में बारिश कम होती है, जिन जिन एरियाज में बारिश आपकी कम होती है, उन एरियाज में हम क्या करते हैं, वहां पर पानी को ठहराने के लिए हम लेक बनाते हैं. जैसे आपका चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के अंदर आपका आर्टिफिशियल लेक इज देयर. देन इन आपके भोपाल के अंदर है, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक. आपका जो भोपाल लेक है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. चंडीगढ़ सुखना लेक अभी आपका रिसेंट है. सिमिलरली इन तमिलनाडु जो मेरी अपनी विलेज है, मतलब माय मदर्स विलेज, आई फर्स्ट सॉ देयर द व्हाट यू कॉल एज मैन मेड वन. बिकॉज वी यूज टू गो देयर, तो मम्मी बताती थी कि इट्स नॉट टू डीप बिकॉज इट्स अ मैन मेड. तो जो रेन वाटर होता है उसको शेड बना के लेक्स बनाया जाए. तो लेक्स एज वेल एज आपके रिवर्स जो है, दे आर हेल्पफुल फॉर डिफरेंट
पर्पसेस, लाइक लेक्स हमारे फ्लो ऑफ रिवर्स को रोकते हैं फ्लडिंग से, दे ऑल्सो आर यूज फॉर द हाइडल पावर, एंड देन ऑफकोर्स हमारे रिक्रिएशन। सुखना लेक आप चले जाओ, चंडीगढ़ जाओ और आप सुखना लेक ना जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दैट्स अ प्रोमिनेंट प्लेस। रिवर्स आपके डैम्स में यूज होते हैं फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स रिवर्स हैव बीन पोल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जैसे आपका हरिद्वार है, कितना पोल्यूट हो गया, कानपुर के अंदर जो आपका रिवर फ्लो होता है वहां पर बेसिकली, वहां यू हैव द अरहर जो दाल होती है, वो दाल का पॉलिश होता है, तो द वेस्ट इज ट्रीटेड देयर। देयरफॉर ड्यू टू डोमेस्टिक म्यूनिसिपल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, हमें रिवर्स तो चाहिए होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी डे बाई डे खराब होती जा रही है। देर आर मेनी इंसिडेंट्स जब आपके बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अपने अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, इनको पानी के अंदर बहा देते हैं। देन अनड्यू प्रेशर हम लोग यूज करते हैं पानी को, पानी बारिश आती नहीं है उससे ज्यादा हम पानी यूज करते हैं। लाइक इन पंजाब वगैरह में आपके जो नीचे वाटर टेबल है वो खत्म होता जा रहा है। देन वी थ्रो द गार्बेज इन यमुना रिवर, बहुत अच्छी सी फोटो आती है बड़े झाग के साथ। बाथिंग ऑफ द कैटल, देन पुटिंग अदर पोल्यूटेंट, इन सब की वजह से रिवर जो है हमारे पल्यूट होते जा रहे हैं। एंड देर हैव बीन इंसिडेंट्स जब रिवर वाटर हैज बीन इवन सेड एज अनफिट। तो जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, ये आपका वन मार्कर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये 1985 में बनाया गया था और इसके अंदर अब हमारा स्टार्ट हुआ था गंगा एक्शन प्लान। बहुत सारे स्कूल्स में इसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट देते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग गंगा रिवर की सफाई दो बार करवाई थी। फर्स्ट टाइम तो इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, बट सेकेंड टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क ऑल द कॉमन पीपल टू ज्वाइन इट सो दैट वो जो रिवर्स हैं उन्हें पल्यूट करने से बचाया जाए। लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी था तो आई कीप दैट गणेश आइडल इन दैट इन माई हाउस, तो आई हैड गॉन टू उसका विसर्जन करने में गई थी गंगा, और हमारे घर से तो बहुत पास में है छोटा गंगा। इस साल आई सॉ दैट द गवर्नमेंट हैड मेड प्रॉपर प्लान, रिवर के अंदर आपको जाने ही नहीं दिया। वी वर नॉट अलाउड टू गो नियर द रिवर। उन्होंने रिवर वाटर का एक हिस्सा चैनलाइज करके एक पॉन्ड जैसा बना दिया था जहां हम लोग अपने उस मतलब की जो मूर्ति है उसको विसर्जन कर सकते। अब जो है गवर्नमेंट जो है दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ पेन, दे आर टेकिंग द पेन कि हम लोग जो है वी आर नॉट पुटिंग द अननेसेसरी एलिमेंट्स इनटू द रिवर्स। दे आर इन्वॉल्विंग द कॉमन पीपल टू कीप द रिवर्स क्लीन, क्योंकि बच्चे अगर रिवर्स नहीं होंगे तो देन हमारा सिविलाइजेशन नहीं होगा। रिवर्स को क्लीन रखना, उनको पॉल्यूशन फ्री रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर अवर सर्वाइवल बिकॉज वी ड्रिंक वाटर, वी हैव इट फॉर एवरी पर्पज, प्लस ऑल्सो फॉर द एंटायर सिविलाइजेशन। तो दिस इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज का मतलब होता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। नाउ द रिवर सिस्टम जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, वो ओरिजिनेट होता है कहीं से एंड इट मे बी पासिंग थ्रू डिफरेंट एरिया जिसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू अ बिग वाटर बॉडी लाइक एन ओशियन और सी। समटाइम्स देयर माइट बी एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर, मतलब बीच में रिवर सिस्टम वहां से जा नहीं पाता है क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पहाड़ या एलिवेशन होता है। अम्बाला इज सिचुएटेड ऑन वाटर डिवाइड, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो ये वाटर डिवाइड वो लाइन है जो डिवाइड कर देता है रिवर को, उस तरफ जाने से रोक देता है।
एंड हमारे यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब आपके जो है इस तरफ है, वेयर एज आपके इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज वो उस तरफ जाते हैं. नाउ देयर इज द रिवर मे बी पैरेलली ओरिजिनेटिंग विच इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. एंड डिस्ट्रीब्यूटरी होता है व्हेन अ रिवर, मेन रिवर दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बट जाए. नाउ इन द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया वी हैव हिमालयन रिवर्स विच ओरिजिनेट समवेयर नियर हिमालया लाइक मानसरोवर, तिब्बत, ऐसे. एंड दे हैव द वॉटर ऑल ओवर द सीजन बिकॉज दे हैव ग्लेशियर्स विच मेल्ट और द रेन वॉटर एंड दे आर लॉन्गर. पेनिनसुलर, हमारे पेनिनसुला इन पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होते हैं. मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड हैव द शॉर्टर कोस्ट. हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हमारा पहला है इंडस, जो आपका तिब्बत के पास ओरिजिनेट होता है. लद्दाख के थ्रू इंडिया के अंदर आता है. उसमें हम लोग जो है 15% अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी हम यूज करते हैं. एंड जो इसके पांच आपके आब्स हैं, दे एंटर इनटू मिठान पोर्ट और वहां से ये एक होकर इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. द गंगा रिवर जो हमारे इंडिया के लिए सबसे मेन है, वो आपका भागीरथी से सोर्स होकर गंगोत्री, इसका ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से ये निकलता उस एरिया को हम गंगोत्री बोलते हैं. इट रीचेस एट देवप्रयाग, एक तरफ आपका गंगोत्री भागीरथी, दूसरी तरफ देवप्रयाग, एंड अल्टीमेटली इट फ्लोस टूवर्ड्स हरिद्वार, जहां से इसका नाम पड़ जाता है आपका गंगा. बुक में पिक्चर भी बनी हुई है. नेक्स्ट आपका आता है गंगा जो है, उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यमुना, देन आपके गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं. यानी कि ये ग्लेशियर के पैरेलली दूसरी जगह से ये जो है ओरिजिनेट होते. गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर क्योंकि इंडिया को मेनली यही रिवर फीड करता है. 2500 किलोमीटर इट फ्लोज. इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में फरक्का है, जहां से ये दो हिस्सों में जाता है. एक हिस्सा आपका जो है बांग्लादेश चला जाता है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाता है. देन द थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा रिवर विच राइजेज इन तिब्बत एज सांगपो रिवर. एंड देन इट सांगपो से आकर नामचा बरुआ करके जो जगह, वहां से ये ऐसे यू टर्न करता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो आपके पहाड़ों के बीच में से गॉर्ज बनाता हुआ देहांग वैली से एंटर करता है. पेनिनसुलर में वी हैव नर्मदा तपी फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, गोदावरी एंड कृष्णा आपके महाराष्ट्र में आते हैं. कृष्णा आपका महाबलेश्वर, गोदावरी आपका नासिक के पास. देन आपके जो है महानदी छत्तीसगढ़, कावेरी आपका कूर्ग, दैट इज ब्रह्मगिरी हो, बट दे आर ऑल टूवर्ड्स ईस्ट. अपार्ट फ्रॉम बिसाइड रिवर्स वी ऑल्सो हैव द लेक्स. लेक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, मैन मेड लेक्स. आपके पेपर में मैन मेड नहीं है, इसको आई हैव जस्ट एडेड फॉर योर इंफॉर्मेशन. मैन मेड में वी हैव द सुखना लेक, भोपाल लेक, देयर आर सो मेनी. एंड जो सॉल्ट वाटर है दैट इज ब्रैकिश, मतलब नमकीन होता है. दैट मे बी बिकॉज जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, दैट पुशेस बैक टूवर्ड्स द लैंड लाइक आपका चिलिका, देन पुलिकत, कोलेरू इन आपका केरला. एंड दीज आर ऑल्सो मैप क्वेश्चन. फ्रेश वाटर में वूलर लेक इज द वन विच वॉज फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स आपके, उसकी वजह से हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ था. डल लेक इज देयर, भीमताल इज देयर, एंड इट इज सेड जो नैनी लेक है वो दैट्स अ पार्ट फेड बाय मानसरोवर. ड्यू टू ओवर यूसेज, डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, जो एक तो रिवर के जो पानी होते हैं उसका क्वालिटी खराब हो जाता है. बिकॉज जब हम ओवर यूज करते हैं तो नीचे वाटर टेबल खत्म हो जाता है. सेकेंडली इट ऑल्सो रिजल्ट इन पॉल्यूशन क्योंकि द अनट्रीटेड सीवेज
गार्बेज, इनको पानी में डाल देते हैं, इनको साफ नहीं करते हैं। दो द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी मेनी यू कैन से स्टेप्स, स्टिल इट इज अ लॉन्ग ड्रीम। जो आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, इसके अंडर जीएपी दैट इज गंगा एक्शन प्लान हैज बीन इनिशिएटेड टू क्लीप द रिवर क्लीन। तो दैट इज ऑल इन द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज ड्रेनेज विथ द रिटर्न नोट्स।